इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप दूसरी जो है वो ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान तलखियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफा। और ये पिछले साल मई में जो वाकयात पेश आए थे, उन वाकयात के बाद और फिर तनाव बढ़ता गया, फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई, फिर हुई होते होते पहली दफा जो है वो ये है कि आज राजनाथ सिंह, जो उनके वजीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी, हमारा एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया है और वो अगले 48 घंटों में, यानी कल से लेके आज तकरीर की है तो कल तक, या अगर लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है तो एक का दिन आगे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि वो जो सबसे ज़्यादा आप समझें कि जो जहां कशीदगी थी, जहां पे वैसे तो कई जगहों पे, लेकिन यह है कि जो पेंगोंग सू का इलाका है, पेंगोंग सू पे, ये बात हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि एक इसका जो है वो शुमाली इसका किनारा है, झील है ये, एक इसका शुमाली किनारा है और एक इसका जनूबी किनारा है। और लेकिन असल में वो शुमाली और जुनूबी नहीं है, अगर आप उनको हकीकतन देखें तो वो कुछ मशरकी और मगरबी हैं, लेकिन बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहलाता है। तो खबर ये है जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहां पे कहा, उनके वजीर दिफा ने, वो ये कहा कि 48 घंटों में ये तय हुआ है कि 48 घंटों के अंदर पेंगोंग सू जो है वहां से दोनों फौजें पीछे हटेंगी। सही। अच्छा, इसको अब उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना एंड इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज दिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। ठीक है, ये चाइना की तरफ से ऐलान हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से किया कि चाइना इंडिया आर्मीज डिसंगेज ब्रेक थ्रू इन रिटर्निंग टू पीस। और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उनका मीडिया जो है वो कर। अब हुआ ये है, हुआ किस तरह से, इसको बुनियादी तौर पे इस तरह समझें कि जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई थी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही और ये अच्छा हुआ, इससे आगे जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। और खास तौर पे ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये उत्तराखंड का जो डैम के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दरिया में, और यहाँ हमारा भी ग्लेशियर के अंदर हमारे हीरो और गैर मुल्की, अल्लाह ताला करे अभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए, तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस की तो ये पहाड़ों के, और हम पाकिस्तान का हमेशा स्टांस रहा है सियाचिन के हवाले से भी कि बातचीत की जाए, तो बातचीत होनी चाहिए, जंगें तो मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अपने मुल्क के लोगों से ही बातचीत ना करें मोदी साहब, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहां पर अब चाइना जो है वो ये तय हुआ है कि पेंगोंग सू की जो झील है उसकी, उसको जो पहाड़ हैं उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ, दिखाता हूँ उनकी आठ उनको फिंगर्स हैं ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है, तो पहाड़ जो है वो चाइना जो है वो फिंगर 8 तक था, ठीक है, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक था। चाइना जो है वो यहाँ से फिंगर 8 से फिंगर क्रॉस करते करते ये 7-6 ऐसे करते करते आगे ये कुछ 3-4 तक आ गया था चाइना, तो और यहाँ इंडिया जो है यहाँ फंस गया था, इंडिया आगे बढ़ नहीं पा रहा था, यहाँ तक फंस गया था। और यहाँ पर फिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इंडिया ने फिर जो झील के उस तरफ का हिस्सा है, यानी फिंगर्स शुमाल की साइड पे हैं, तो जो जनूब की साइड है, जो साउथ बैंक है या जिसको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस तरफ जो बारह दूसरी तरफ पे, फिर इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके, ये भी हम तस्वीर से डिस्कस करते हैं। तो अब ये तय हुआ है कि जी इंडिया जो है वो फिंगर 3 से, अच्छा पहले इस झड़प से पहले फिंगर 3 से फिंगर 8 तक इंडिया की पेट्रोलिंग होती रहती थी,
लेकिन झड़प के बाद ही हुआ कि चाइना आ गया तो पेट्रोल पेट्रोलिंग ही नहीं फिर तक मैसूर हो। अभी हुआ है कि चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरिजाब टू की एक जो जगह जो बेस कैंप जहां पहले था वो पहले जिस जगह पे था वहां तक चाइना आ जाएगा और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा। ये बहुत सारी जगह बहुत सारे जो महाज हैं उनमें से एक महाज के ऊपर ये डिसएंगेजमेंट हो रही है जो कि अच्छी खबर है, अच्छी खबर है अमन के लिए। और इसके साथ दूसरी जो पोजीशंस हैं उनके बारे में ये अभी तक वाजे नहीं हो रहा क्योंकि कई जगहों पे जो है फौजी आपस में और मैं सिर्फ ये लद्दाख के इलाके की बात कर रहा हूं मशरकी लद्दाख की, यहां पे अभी तक हमें नहीं पता कि हॉट स्प्रिंग्स का जो इलाका है वहां पे कोई बात नहीं की गई, वहां पे गोगरा के ऊपर कोई मुज़ाकरात आगे नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि अगर ये और ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात की गई है और चाइना की तरफ से बात की गई कि अगर ये पहला फेज इसका कामयाब हो गया तो फिर हम आगे बात करेंगे। सही, लेकिन गालिबन इसको इंडिया जो है वो ये बात ध्यान में इंडिया का भी जो मतलब स्टांस है ना वो दोनों तरफ से कोई ना कोई चीज छोड़ेंगे, मतलब कुछ चीज चाइना छोड़ेगा इंडिया के लिए, वो विन विन की तरफ ये बात जाएगी तो आगे काम चलेगा। यानी वो 62 की गालिबन एलएसी के ऊपर राजी नहीं होंगे, ठीक है, और ये जो है ये चाइना जो है वो यानी अपना पूर्व वहां से विड्रॉ करेगा, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे सारी बात जो कि इंडिया चाह रहा है। अच्छा, तो इसीलिए गोगरा के ऊपर जो है वो आज बात नहीं हुई और डेस्ट बैंक जो सबसे सेंसिटिव इलाका है और जो दौलत बेग रोड उसके ऊपर बात नहीं हुई और इसी तरह से हॉट स्प्रिंग्स पे बात हुई, तो काफी जगह जो है और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बहुत सारे और इश्यूज हैं तो उन इश्यूज के ऊपर भी बात नहीं हुई। लेकिन पहली आप समझें कि ये एक अच्छी खबर इस रीजन में आई है कि कम से कम वो डीएस्केलेशन शुरू हुई और फौज जो है वो कम से कम मजीद ये नहीं हो रहा एंगेजमेंट मजीद नहीं हो रही और ये नहीं हो रहा कि तामीर हो रही है। अच्छा, ये जो नया साल शुरू होता है ना चाइना का, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहला इसका जो दिन है न्यू ईयर ईव न्यू ईयर ईव वैसे तो 15 तक मनाते हैं, उसके बाद लालटेन फेस्टिवल शुरू हो जाता है वहां पे, वो हजारों साल सैकड़ों साल अभी भी वो जो लालटेन्स हैं वो वहां पे पूरी दुनिया में गाइस ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के इस कार्टून को आपने बहुत दिनों से सुना होगा, ये कार्टून पिछले एक साल या छह महीने से इतना उछल रहा था जब से भारत चीन का तनाव हुआ था। इस कार्टून ने इस तरीके की बातें की थी कि भारत और चीन के बीच अब कोई बॉर्डर नहीं है, चीन की सीधी बॉर्डर यूपी से मिलती है, बाकी सारा एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। इस कार्टून ने इस तरीके की कुछ बातें की थी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसकी बातें फैक्ट लेस रहती हैं, कोई लॉजिक से इसका लेना देना नहीं है। इसी तरीके की फर्जी बातों के लिए ये एक बार पाकिस्तान में लंबे समय के लिए जेल जा चुका है, तो इसका इसी तरीके का काम है, तो इस तरीके की फर्जी बातें ये करता है। तो अब बता दूं, भारत चीन की दोनों सेनाओं ने मतलब समझौता हो गया, आपने अगर आज पार्लियामेंट बोल रहा हूँ राज्यसभा में राजनाथ सिंह की स्पीच सुनी है तो उससे आपको सब कुछ जानकारी हो गई होगी। तो जो तनाव चल रहा था, दोनों सेनाएं टैंक लेकर एक दूसरे के सामने खड़ी थी, चीन के 45-40 सैनिक मारे गए थे, इंडिया के 20 सैनिक मारे गए थे, उसके बाद भी ये तनाव कंटिन्यू चल रहा था, जिसके बाद अब कुछ पॉजिटिव दिख रही है बातें। चीन शायद अपनी सेना और भारत भी अपनी सेना पीछे ले लेगा, ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी चीन पर आप पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, चीन एक बहुत ही चालाक किस्म का देश है, हमेशा चालाकी करता है, तो भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसा शो कर रहा है जैसे कि मतलब बहुत अच्छा हुआ, चीन भारत के बीच कोई युद्ध नहीं होगा, खित्ता एक जंग से बच गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। हालांकि ये वही पाकिस्तानी है जो मन ही मन चाह रहे थे भारत चीन के बीच अच्छा युद्ध हो, दोनों देश की अच्छी तबाही हो और पाकिस्तान खुश हो, इनके अंदर की सच्चाई यही थी, आप भी ये समझते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए या नहीं? जो अभी समझौता हुआ है उस पर चीन कितना अमल करेगा, हमारे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर शेयर करें और अपनी राय भी दें। और इसी तरीके के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, आपको इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।